हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमलेश कार एक्सेसरीज। सो आज हमारे वहाँ लग चुकी है मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो, जो कि पूरा नया मॉडल है और ये पूरा हमने डोर वाइजर इंस्टॉल किए हुए हैं। इंटीरियर में देखते हो तो यहाँ पे हमने सीट कवर भी इंस्टॉल किए हुए हैं और बकेट फिटिंग में प्रॉपर एक्सप्रेसो के बेजिंग के साथ ही रहते हैं गाइस ये वाले, और ब्लैक सिल्वर के कॉम्बिनेशन में हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। यहाँ पे स्टेयरिंग कवर भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है ब्लैक और रेड स्टिचेस के साथ, आप देख सकते हो ब्लैक और रेड स्टिच में हमने इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे पूरे हम एस्प्रेसो बेजिंग वाले हम एलईडी कफलेट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, वो भी सॉकेट टू सॉकेट, और जो दूसरा हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो बार लाइट हम इंस्टॉल कर रहे हैं, आप देख सकते हो। इसका भी मैं आपको फिटिंग और फिनिशिंग भी दिखा दूंगा। और हाँ गाइस, ये पूरा सॉकेट टू सॉकेट ही रहने वाला है, कोई कंपनी का वायरिंग कट नहीं होगा। और आप एक बार सीट कवर का भी लुक देख लो, यहाँ पे वर्क स्टार्ट है जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने डिक्की क्रोम पट्टी भी इंस्टॉल की हुई है पूरी क्रोम में, जो कि बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है गाइस। और हाँ गाइस, यहाँ पे हमने कैमरा भी इंस्टॉल किया हुआ है डे नाइट विजन में एलईडी, तो वो भी मैं आपको स्टार्ट करके दिखा दूंगा। और हाँ गाइस, ये सभी का कमलेश कार एक्सेसरीज पे हो रहा है। यहाँ पे बम्पर पट्टे भी हमने इंस्टॉल किए हुए हैं ब्लैक और क्रोम के साथ, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी इंस्टॉल होने वाला है, तो ये सभी वर्क मैं आपको दिखा दूंगा। ये आप एक बार पीछे की लुक चेकआउट कर लो सीट कवर की, जो कि हमने लगाए हुए है ब्लैक और सिल्वर में। और गाइस, यहाँ पे हमने फ्रंट ग्रिल में भी क्रोम इंस्टॉल किया हुआ है, आप देख सकते हो फ्रंट ग्रिल, इसमें हमने क्रोम इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे आगे हम फॉगलाइट भी इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि वॉलमैक्स ब्रांड की है, और ये आप देख सकते हो प्रॉपर एक्सप्रेसो की रहने वाली है। ये तो पन्नी लगी हुई है, यहाँ से इंडिकेटर करोगे तो येलो और डे टाइम में वाइट लाइट जलेगी, और ये पूरी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पूरी इंस्टॉल हो जाएगी। इसमें गाइस कोई कंपनी की वारंटी अवॉइड नहीं होती, पूरा सॉकेट टू सॉकेट ही वर्क होता है। सो गाइस, यहाँ पे वर्क स्टार्ट है और जो हम लगाने वाले हैं अभी तो ये नॉर्मल एस्प्रेसो है, अब हम इसको थोड़ा स्पॉट लुक बनाने जा रहे हैं, जो कि सुपर स्पॉट एस्प्रेसो के लुक से जानी जाती है। ये अभी हम ये इंस्टॉल करने वाले हैं। भैया ये कहाँ लगेगा एक बार ही दिखाओ, ये पूरा यहाँ प्रॉपर फिटिंग हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ से कट टू कट ही रहता है, और ये हम इंस्टॉल करने वाले हैं। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी रहेगा बीच पे, और एस्प्रेसो ब्रांडिंग के साथ ही रहेगा। तो अब मैं आपको ये फिटिंग करके भी दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे हमने DRL भी इंस्टॉल कर दी है, वो भी क्रोम फिनिश में, और यहाँ पे बार लाइट भी इंस्टॉल की हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो पूरी बार लाइट रहती है LED। ये भी मैं आपको स्टार्ट करके दिखा दूंगा कि इसका रिजल्ट कैसा है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है गाइस। और यहाँ पे अभी पीछे रिफ्लेक्टर का वर्क स्टार्ट है, जैसे कि आप देख रहे हो ये रिफ्लेक्टर का वर्क स्टार्ट है, यहाँ पे लग चुका है जैसे कि आप देख रहे हो। मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा दूंगा गाइस ये कैसा लग रहा है। और हाँ गाइस, ये कैमरा भी आपको वर्किंग करके मैं आपको दिखा दूंगा। तो गाइस, यहाँ पे पूरी एस्प्रेसो का वर्क डन हो चुका है। पहले तो हमने साइड ऑफ पोजीशन में ये डोर वाइजर लगाए हुए हैं, जो कि एस्प्रेसो के ब्रांडिंग के साथ ही रहने वाले हैं। साइड में जो मोल्डिंग से प्रॉपर एस्प्रेसो वाली, वो भी हमने इंस्टॉल की हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो। और हाई इंफ्रारेड सन प्रोटेक्टेड फिल्म भी हमने इंस्टॉल की हुई है, जो कि फोर डोर और रियर ग्लास में लगाई हुई है, और फ्रंट में भी आगे लगाई हुई है।
और इंटीरियर ऑफ द पोर्शन में हमने ये सीट कवर भी इंस्टॉल किए हुए है, वो भी ब्लैक और सिल्वर के इंटीरियर में। और यहाँ पे स्टेयरिंग कवर भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है ब्लैक और स्टिच के साथ। और गाइस इसका भी लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है, जैसा आप देख सकते हो। ये देखो जो सीट कवर का भी फिटिंग है वो भी हमने पूरा बकेट फिटिंग ही किया है, और जो प्रॉपर एस्प्रेसो के बेजिंग के साथ ही हमने लगाया हुआ है सीट कवर। और नीचे हमने ये एस्प्रेसो वाले साइड कपलेट्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि पूरे LED विजन में है। और जो मैंने आपको बताया था कि रिवर्स कैमरा भी हमने लगाया हुआ है, वो भी कंपनी का ओरिजिनल प्लेयर है और उसमें ही हमने रिवर्स कैमरा लगाया हुआ है। ये आप देखो जो विजन भी है वो भी पूरा प्रॉपर ही विजन दिखेगा। और हाँ गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कैमरा है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और यहाँ पे डे नाइट विजन का कैमरा रहता है, यानी आपको नाइट में भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। आपको मैं सीट कवर का पीछे का भी लुक चेकआउट करवा लूँगा, यह देख लो। और यहाँ पे जो कपलेट हमने लगाई हुई है वो भी एस्प्रेसो की बेजिंग के साथ ही, ये पूरा रैपर ये निकल जाएगा, यह देख लो प्रॉपर एस्प्रेसो के बेजिंग के साथ ही हमने लगाया हुआ है। और फ्रंट पोर्शन में मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हमने वर्क किया हुआ है। यहाँ पे हमने DRL इंस्टॉल की हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने DRL भी इंस्टॉल की हुई है, और ये ब्लैक और क्रोम के इंटीरियर पे है। इंडिकेटर ये देखो, देखो इस बहुत ही बढ़िया लग रहा है लुक। लेफ्ट साइड यार देखो, पार्किंग ये देखो, तो गाइस बहुत ही अच्छी DRL है और पूरी सॉकेट टू सॉकेट ही फिट होती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये बार लाइट जो कि हमने फिटिंग की हुई है। स्टार्ट देखो गाइस, इसका भी फोकस बहुत ही अच्छा आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो पूरी यहाँ पे लाइट ही है, तो नाइट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, क्योंकि एस्प्रेसो में बहुत ज़्यादा जो विज़न है वो नहीं आता, इसके लिए बार लाइट हमने इंस्टॉल की हुई है, जैसे कि आप देख रहे हो पूरी LED के साथ ही रहता है, और इसका विज़न भी आपको नाइट में ज़्यादा पता चलेगा गाइस। और यहाँ पे रियर पोर्शन में हमने मैट्रिक्स जो इंडिकेटर रहने वाला है वो हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। स्टार्ट ये देख लो, ये प्रॉपर हमने लगाए हुए है इंडिकेटर, ये देख लो गाइस ये इंडिकेटर जो कि बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है। ये लेफ्ट साइड पार्किंग ये देख लो गाइस, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है जो कि एस्प्रेसो में हमने लगाया हुआ है। और हाँ गाइस यहाँ पे हमने डिफ्यूजर भी इंस्टॉल किया हुआ है जो कि प्रॉपर एस्प्रेसो के ब्रांडिंग के साथ ही रहता है, और ये एस्प्रेसो भी पहले नॉर्मल थी, अभी पूरी एस्प्रेसो स्पॉट लग रही है जो कि बहुत ही बढ़िया लुक दे रही है। और यहाँ पे क्रोम डिक्की पट्टी भी हमने इंस्टॉल की हुई है, बम्पर प्रोटेक्टर भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है। सो गाइस वर्क डन बाय कमलेश कार है। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।